सो है गाइस, दिस साइड आनंद सिंह राजपूत। आप देख रहे हो अपना चैनल जेसिका एडीयू। सो आज हम बात करने वाले हैं मोशन का सेकंड लेक्चर। आप वहां तक आप पढ़ चुके थे मोशन क्या होता है, मोशन के कितने टाइप्स हैं और भी उसमें बहुत सारी चीज़ें पढ़े थे। तो हम वहीं से दोबारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं जहाँ से हम छोड़े थे। मोशन, मोशन के टू टाइप्स थे, स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ मोशन। ये तो पॉइंट हो गई थी हम सबका। अब हम बात करेंगे डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इसमें कोई डिफरेंस है। देखो इसमें कुछ समझाने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिए। जैसे ये कोई पॉइंट है, इसका हम नाम देते हैं ये, ठीक है, और ये ऐसे ऐसे करके यहाँ तक है, और ये पॉइंट है इसका बी, ठीक है, और इससे एक शॉर्ट ऐसे डिस्टेंस के ये ऐसे स्टैटिक ये ऐसे हो गए। सपोज ये यहाँ से ऐसे ऐसे करके ये जो कर्व बना है इसकी पूरी डिस्टेंस है, इसका पूरा डिस्टेंस है 4 किलोमीटर। कितना? 4 किलोमीटर। अच्छा, ये तो चलिए ये ऐसे ऐसे करके ये पूरी दूरी करके गए तो इसका 4 किलोमीटर। अच्छा ये ऐसे स्टैटिक्स का किया जाए तो इसका आया 3 किलोमीटर। ये पूरी दूरी यहाँ से करके कोई ऑब्जेक्ट यहाँ यहाँ करके यहाँ बी तक गया है, ये से बी तक, तो इसको बोलेंगे 4 किलोमीटर है यह। अब यहाँ से लेके बी तक गया है उसको वो 3 किलोमीटर। अच्छा अब देखेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। अच्छा ये जो इतनी दूरी चली ये यहाँ से यहाँ तक ये पॉइंट से बी तक लेकर गए तो इसको बोलेंगे ये डिस्टेंस, ये 4 किलोमीटर मतलब टोटल दूरी चली गई है। अच्छा यहाँ से यहाँ तक जो शॉर्ट दूरी चली गई है, जो शॉर्ट डिस्टेंस है, ये तो पूरा लॉन्ग डिस्टेंस था तो ये आया 4 किलोमीटर, और ये यहाँ से ये से लेके बी तक चला तो ये आया 3 किलोमीटर हम सबका। यानी शॉर्ट डिस्टेंस जो होता है वो होता है हम सबका डिस्प्लेसमेंट, और ये जो होता है डिस्टेंस होता है ये टोटल डिस्टेंस होता है, यानी ज्यादा से ज्यादा जो आएगा ये होगा हम सबका डिस्टेंस होगा। तो देखो इतना पॉइंट आई होप इतना समझोगे, तो चलो इसी से हम डिफिनेशन बना लेते हैं, ठीक है, इसी से हम सब डिफिनेशन बनाते हैं अपना कि डिस्टेंस क्या होता है। देखो द टोटल पाथ, द टोटल पाथ लेंथ covered by body, okay, any object, the total path length covered by body, जैसे मैंने बताया था ये total पूरा length चल के गई है, जैसे मैंने कैसे बनाया था ऐसे कर दिया था इसका ऐसे करके, ये कोई point ये था, ये point था इसका B, और यहाँ से यहाँ तक ये पूरी ये point से B point तक चली गई distance पूरा था 4 किलोमीटर, तो ये था हम सबका डिस्टेंस, ठीक है, और यहाँ से एक ऐसे स्टेट पोजीशन में गई हुई थी, एक कोई ऑब्जेक्ट इस तरफ से गया एक कोई ऑब्जेक्ट इस तरफ से जा रहा, तो इसका आया 3 किलोमीटर। ये हो गया हम सबका डिस्प्लेसमेंट, ठीक, ये डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, ठीक। डिस्टेंस होता है टोटल चली गई दूरी, ये कोई अगर गाड़ी इधर से ऐसे करके जा रही है, जैसे कि मान लो यहां से हम बात करते हैं अपने इधर शहर की बात करते हैं, जैसे कि मुझे जाना है बिस्कोहर से, बिस्कोहर से जाना इटवा, ठीक है, और बिस्कोहर से इटवा जाने में मान लो इटवा ही मत जाओ, मान लो आप जाओ बिस्कोहर से आप जाओ डुमरियागंज, डुमरियागंज से फिर आप जाके कहाँ जाओ, यहाँ पे
आगे निकल जाओ, क्या नाम है, बैदौला, उधर भी जो कुछ भी आगे पड़ता होगा, ठीक है। और तो ये हो गया, आप सबसे पहले बिस्कोहर से जाएंगे इटवा, फिर वहां से एक टर्न लेंगे, मुड़ेंगे, फिर जाएंगे उधर। तो ये टोटल चलेगी दूरी, मान लो कि वहां से आ गया पूरा टोटल, अगर डिस्टेंस कवर किया गया तो 75 किलोमीटर, 75 किलोमीटर टोटल हो गए। और वही बात मैं बोल रहा हूँ कि वो तो कोई बंदा गाड़ी से गया है, आप प्लेन से जाइए, बिस्कोहर से यहीं पे बैठ लीजिए, मतलब है तो यहाँ पे नहीं, एयरपोर्ट तो नहीं है, बस ऐसे बता रहा हूँ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर क्या है। और आप प्लेन पकड़िए, कोई गाड़ी लेके जा रहा है, मैं प्लेन से जा रहा हूँ, तो प्लेन क्या करेगा आपका, डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। और मैं जो बंदा एक गाड़ी से गया है, वो टोटल पथ लेंथ कवर्ड बाई एन ऑब्जेक्ट या फिर एनी बॉडी, वो कोई भी बॉडी है, वो टोटल डिस्टेंस कवर कर रही है, उसका टोटल जितना लेंथ है, जितना डिस्टेंस है, वो कवर कर रही है। तो ये हो गया हम सबका डिस्टेंस, ठीक है। तो यही मैंने एग्जांपल दिया, ये कोई पॉइंट है, ये से चल के बी तक गया है, तो इसका डिस्टेंस है 4 किलोमीटर। और वही पॉइंट एक शॉर्टकट कोई लड़का है यहाँ से यहाँ तक चला गया है, ये है हम सबका, ये से बी पॉइंट तक, ये है हम सबका डिस्प्लेसमेंट। और देखो ये पूरा डिस्टेंस 4 किलोमीटर आया, इसका 3 किलोमीटर, तो देर आर सम डिफरेंस, इसका 4 किलोमीटर है, इसका 3 है, ओके। तो ये पॉइंट हो गया इसका, आगे देखो इसका इतना पॉइंट, आई होप समझ में आया होगा। इसमें दूसरा पॉइंट है, ये पहला पॉइंट हो गया एसआई यूनिट, एसआई यूनिट डिस्टेंस का क्या होगा, मीटर, क्या होगा, मीटर, ठीक। डिस्प्लेसमेंट का अगर एसआई यूनिट, एसआई मतलब इंटरनेशनल यूनिट, एसआई यूनिट अगर इसका देखा जाएगा तो इसका भी होगा मीटर, ठीक, क्या होगा, मीटर। आई होप इतना पॉइंट समझ होंगे। फिर अगर बाद में और बात करते हैं, इसका रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, मतलब लिखेंगे कैसे इसको, रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन डिस्टेंस का होगा डी, क्या होगा, डी होगा इसका, ओके, इसका होगा डी। और डिस्प्लेसमेंट का भी, डिस्प्लेसमेंट का देखो, डिस्टेंस का हो गया डी और डिस्प्लेसमेंट का हो गया इसमें रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन इसका होगा एस, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन इसका क्या होगा, यस होगा, ओके। अच्छा अब एक बात इसमें और है, ये है, इसमें एक पॉइंट और लिखा है, इट कैन नेवर बी नेगेटिव, इट कैन नेवर बी नेगेटिव, इट कैन नेवर बी नेगेटिव, ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इट कैन बी नेगेटिव, कैन बी नेगेटिव, ये नेगेटिव हो सकता है। अच्छा ये इसका डिफरेंस था, इसको बताया जाएगा, इट कैन बी, इट कैन नेवर बी नेगेटिव, ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता डिस्टेंस, इट कैन बी नेगेटिव, ये नेगेटिव हो सकता है डिस्प्लेसमेंट इतना। तो आई होप इतना पॉइंट समझ में आया होगा, रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं डिस्प्लेसमेंट का, यस वेक्टर से, ठीक है। डिस्टेंस का कैसे करते हैं, डी से, एसआई यूनिट है इसका मीटर, एसआई यूनिट इसका भी मीटर है, और ये टोटल टोटल जितनी दूरी चली गई होती है वो होता है इसका डिस्टेंस, और जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चली गई होती है उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। आई होप इतना पॉइंट क्लियर हुआ होगा। तो चलो इसको हम रिमूव करते हैं, हटाते हैं। अच्छा एक पॉइंट में लिखा है ना, इसको हम लिखे रहने देते हैं, समझाते हैं कैसे होगा, एक नेगेटिव नहीं होता है, एक नेगेटिव तो है, देखो सपोज करो कि एक कोई पॉइंट है ये, और ये पॉइंट एक यहाँ पे है बी, ठीक, यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इट कैन नेवर बी नेगेटिव, डिस्टेंस क्या होता है, कभी नेगेटिव नहीं होता है, और ये इट कैन बी नेगेटिव। तो सपोज करो ये यहाँ से यहाँ तक एक चली गई दूरी है,
तो इसका है डिस्टेंस पूरा 4 किलोमीटर। ये से बी तक गया तो इसका डिस्टेंस हो गया 4 किलोमीटर, ठीक। और अब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें, तो ये करो कि एक यहाँ पे कोई लड़का था, ये इधर से गया ये से बी तक, 4 किलोमीटर डिस्टेंस हुआ, और बी से फिर ये बैक होके आ गया, बी से बैक होके आया, तो एक पॉइंट यहाँ पे तो ये तो था ही, इधर एक पॉइंट और बन गया सी, ये बी और फिर इस पॉइंट में आ गया सी। तो सपोज इसका इसका जो किलोमीटर था इसका हो गया अब 5 किलोमीटर, इसका जो ये से बी तक गया 4 किलोमीटर हुआ, और इधर से इधर आया तो ये हो गया इसका 1 किलोमीटर और बढ़ गया इसका, ठीक है। अच्छा अब देखो, अच्छा अगर ये से बी तक अगर डिस्टेंस की बात की गई, अगर इसका डिस्टेंस का बात किया जाएगा डिस्टेंस का, तो डिस्टेंस इसका कितना होगा, ये से बी तक क्या अगर डिस्टेंस पूछा जाएगा तो 4 किलोमीटर होगा, इतना समझ में आया होगा। तो डिस्टेंस निगेटिव अभी नहीं गया, लेकिन ये से बी, अब डिस्प्लेसमेंट की बात होगी, ये से बी तक गया कोई लड़का, वो बी से फिर लेके सी तक पॉइंट तक आ गया, ठीक है। तो अच्छा इसमें अब डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट। अच्छा यहाँ पे देखो, 4 + 4 है, ठीक है, मतलब 4 किलोमीटर चला था, फिर क्या चला था, फिर माइनस इधर हो गया है -5 किलोमीटर, -5 किलोमीटर। अच्छा आप देखो इसमें से घटा दो, प्लस माइनस माइनस, इसमें क्या हो जाएगा 5। अच्छा इसको निकालेंगे कितना हो जाएगा, -1 किलोमीटर। तो ये डिस्प्लेसमेंट जो हम सबका किसमें आ रहा है, ये निगेटिव में आ रहा है, -1 किलोमीटर जो चला है, ये से बी तक गया 4 किलोमीटर, इधर आया तो माइनस हो गया, ठीक है, -5 किलोमीटर था, तो इसमें से अगर निकाला जाए तो -1 किलोमीटर आया इसमें, तो ये हो गया। तो इसी को बोलते हैं इट कैन नेवर बी निगेटिव, ये डिस्टेंस जो निकला ये निगेटिव में नहीं है, लेकिन कैन बी निगेटिव, ये जो डिस्प्लेसमेंट था ये निगेटिव में आ रहा है हम सबका। तो देखो ये प्रूफ हो गया, हम सब देख चुके हैं, ओके। अच्छा अब इसमें एक स्टेटमेंट है, या इसको एक थ्योरी समझ सकते हो, इसमें बोला गया है डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। देखो एक इसमें थ्योरी दिया गया है, डिस्टेंस इज अ स्केलर स्केलर क्वांटिटी वेयर एज डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा अब देखो सपोज करो, अब चाहिए देखो डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी बोला है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी बोला है। अब हम देखेंगे कैसे डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है और कैसे डिस्प्लेसमेंट हम सबका वेक्टर क्वांटिटी है, ओके। चलो तो सपोज हम पहले केस में, केस हम पहला लेते हैं, ठीक है, तो पहले केस में ये कोई सपोज एक पॉइंट है, ये यहाँ तक चला, फिर एक यहाँ तक चला, इसका पॉइंट का नाम दे दो ये है बी और ये है सी, इसका सपोज 4 km, 4 किलोमीटर तक है इसका डिस्टेंस ये से बी तक, और बी से सी तक है 2 किलोमीटर डिस्टेंस। ये पहला केस हो गया। अब हम लेते हैं केस सेकंड, केस हम लेते हैं सेकंड केस। अच्छा सेकंड केस में हम क्या लेते हैं, देखिए एक पॉइंट यहाँ पे ये है, यहाँ से यहाँ तक चला बी तक, और बी से जैसे यहाँ पे आया टर्न हो गया इसका, ये अपना राइट में टर्न हो गया, ठीक है। इसका सपोज करो कि इसका डिस्टेंस है 4 किलोमीटर और इसका है 2 किलोमीटर। अब देखो अब हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर, अब डिफरेंट डिफरेंस समझानेंगे क्या होता है। जैसे कि यही स्टेटमेंट बोला है ना, डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी वेयर एज डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो ये कैसे होगा। अच्छा अब चलो इसमें बात करते हैं। अच्छा ये से सी तक गया है, इसका टोटल अगर डिस्टेंस की बात की जाए, पहले
पहले केस में, केस पहला हम लेते हैं। अच्छा, इसमें अगर डिस्टेंस डिस्टेंस की बात करेंगे तो डिस्टेंस कितना होगा, 4 प्लस 2, 4 प्लस 2 कितना आएगा, 6 किलोमीटर आएगा इसका। ओके अच्छा, इसमें भी अगर बात करें केस सेकंड में, किसमें, केस सेकंड में, केस सेकंड में अगर हम बात करेंगे किसका, केस सेकंड में अगर बात करें डिस्प्लेस डिस्टेंस का, किसका बात करें, डिस्टेंस का, केस सेकंड में अगर हम बात करेंगे डिस्टेंस का, डिस्टेंस का, तो अच्छा इसमें डिस्टेंस कितना आएगा, 4 प्लस 2 कितना है, 4 प्लस 2 तो टोटल आया कितना, 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर। अच्छा अब इसमें अगर हम बात करेंगे ये से सी तक, तो इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ होगा, क्योंकि ये 4 प्लस 2 है, इसमें डायरेक्शन का देखो कुछ वर्क ही नहीं कर रहा है इसमें, तो इसमें 4 प्लस 2 इसमें 6 ही आएगा। लेकिन अगर केस सेकेंड में अगर हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट का, हम बात करेंगे इसमें डिस्प्लेसमेंट का, तो देखो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा हम सबका, 4 प्लस 2 6 है, ये तो डिस्टेंस है, यहां से यहां तक चली गई दूरी, ये डिस्टेंस है। लेकिन इसमें देखो एक ऐसे करके इसमें शॉर्ट डिस्टेंस हम बना सकते हैं, बना सकते हैं कि नहीं। और इसमें हम सब ये अगर मान लो कि 90 डिग्री अगर इसको कर दें, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अच्छा चलो, अगर ये तो ऐसे होगा, लेकिन इसको ऐसे शॉर्ट फॉर्म में समझ लो, 4 to 6, और इसका मान लो कि, इसका आया 3 किलोमीटर, तो ये टोटल डिस्टेंस अगर सेकेंड केस में हम बात करेंगे तो डिस्टेंस इसका आया है 6 किलोमीटर, लेकिन इसका शॉर्ट डिस्टेंस जो मैंने निकाला इसका 3 किलोमीटर आ रहा है, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है, 3 किलोमीटर। अच्छा तो इसमें अब कुछ पॉइंट क्लियर होगा, कुछ कुछ ना कुछ पॉइंट क्लियर हुआ कि ये टोटल चली गई दूरी है, ये डिस्टेंस की अगर इसमें बात करें, टोटल चली गई दूरी को निकाला है 6 किलोमीटर। इसमें भी अगर बात करेंगे तो देखेंगे इसमें डिस्टेंस 4 to 6 किलोमीटर है, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट में क्या बता रहा है, 3 किलोमीटर हो गया है यहाँ पे। तो 3 किलोमीटर हुआ क्यों वहां पे, मेक ए पॉइंट ऑफ दिस, डायरेक्शन के तुरंत क्या हो जाने से, चेंज हो जाने से इसका डिस्प्लेसमेंट बदल गया डिस्टेंस की तुलना में। इसका भी भाई 6 था, इसका भी 6 था, लेकिन इसका भी 6 होना चाहिए, लेकिन यहाँ से डायरेक्शन मात्र चेंज हो जाने से इसका डिस्प्लेसमेंट बदल गया। तो यानी कि अब हुआ क्या, जहां पे डिस्प्लेसमेंट हो, अच्छा ये पॉइंट क्या कह रहा था, डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। अच्छा स्केलर क्वांटिटी में होता क्या था, मैग्नीट्यूड एलोन। अच्छा और डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज ये यहाँ पे बोला है स्केलर। अच्छा डिस्प्लेसमेंट क्या होता था, ये बोला है यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा ये वेक्टर क्वांटिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी मतलब विथ डायरेक्शन, बताया था पहले, विथ डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड, विथ डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड, तो ये हो गया वेक्टर क्वांटिटी, विथ डायरेक्शन है प्लस मैग्नीट्यूड भी है इसमें, तो वही तो यहाँ पे बोल रहा है डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस ये स्केलर क्वांटिटी प्रूव हो चुका है, इसमें डायरेक्शन का कोई रूल नहीं है। और व्हेरेज जहां देखो डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट को क्या बोला है, वेक्टर क्वांटिटी, तो यहाँ पे डायरेक्शन के चेंज मात्र हो जाने से यहाँ पे इसका डिस्प्लेसमेंट बदल गया, यहाँ पे आया है 3 किलोमीटर। तो ये हैंस हम सबका प्रूफ ही हो गया कि ये क्या है, डायरेक्शन के मात्र चेंज हो जाने से इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जा रहा है, चेंज हो रहा है। तो डायरेक्शन पे ये डिपेंड कर रहा है, ये डायरेक्शन पे डिस्प्लेसमेंट क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, ये इनडिपेंड है, ठीक है। अच्छा इसको एक पॉइंट हम ऐसे लिख सकते हैं, ये डिस्प्लेसमेंट जो होता है, डिस्प्लेसमेंट जो है ना, ये क्या होता है, डायरेक्शन, ये डायरेक्शन पे क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है, डिपेंड, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस ये डायरेक्शन पे क्या कर रहा है,
ये डायरेक्शन पे इंडिपेंड है, इंडिपेंड है, इंडिपेंडेंट है, ठीक है, मतलब ये डायरेक्शन पे निर्भर नहीं कर रहा है। ठीक, डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है, तभी डायरेक्शन पे अगर डिपेंड किया तभी इसका 3 किलोमीटर आया, नहीं तो इसका भी 6 किलोमीटर हो जाता। ठीक है, तो इतना आई होप इतना पॉइंट आप सबका जरूर क्लियर होगा। तो मैं साइड में हो जा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो आई होप इतना पॉइंट लिख लिए होंगे, मैं इरेज कर दे रहा हूँ इसको। ठीक है, अब हम बात करेंगे स्पीड, स्पीड की एंड वेलोसिटी की, इसमें क्या डिफरेंस होता है स्पीड में और वेलोसिटी में। आई होप इतना पॉइंट जरूर क्लियर होगा। और हम बात करेंगे स्पीड की और वेलोसिटी की। ओके, स्पीड, स्पीड एंड वेलोसिटी। अच्छा, स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है, स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस होता है। तो एक पॉइंट इसमें देखो, सबसे पहला, इट इज द टोटल लेंथ कवर्ड पर यूनिट टाइम। ये क्या होता है, टोटल डिस्टेंस कवर, टोटल डिस्टेंस। स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। अच्छा, ये डिस्टेंस क्या, ये स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस कवर पर यूनिट टाइम। ठीक है, और ये वेलोसिटी क्या होता है, इसमें वेलोसिटी में हम सबका पहला पॉइंट जो बनेगा, ठीक है, ये जो पहला पॉइंट हम सबका बनेगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अकर्ड फॉर यूनिट टाइम। अच्छा, टोटल डिस्टेंस कवर पर यूनिट टाइम लिखा है, यानी कि DYT क्या है, टोटल डिस्टेंस कवर पर यूनिट टाइम में है। तो इसका हम फार्मूला अगर बनाएंगे, फार्मूले की अगर बात करेंगे, तो स्पीड का क्या होगा, स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड इज इक्वल टू, अगर इसका फार्मूला बनाएंगे तो स्पीड इज इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस बाई टाइम। लिखा है क्या, लिखा है डिस्टेंस बाई टाइम, तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस बाई टाइम। अच्छा, अब वेलोसिटी अगर देखेंगे, वेलोसिटी का अगर देखेंगे, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट बाई क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट, ठीक, डिस्प्लेसमेंट बाई क्या हो जाएगा, टाइम। अच्छा, इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ठीक है, ये तो हो गया ये। अच्छा, इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, किसको, स्पीड को। अब ये हो गया हम सबका दूसरा पॉइंट, ये होगा तीसरा, ये हो गया आप सबका, ये दूसरा पॉइंट था। अच्छा, हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, रिप्रेजेंटेशन इसका कैसे होगा, रिप्रेजेंट करते हैं वी को, स्पीड को वी से करते हैं, किससे करते हैं, वी से। अच्छा, तीसरा पॉइंट इसमें क्या होगा, इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, RePRE, रिप्रेजेंटेशन इसका कैसे होगा, रिप्रेजेंटेशन है इसका होगा वी वेक्टर से, किससे होगा, वी वेक्टर से, वेलोसिटी को वी वेक्टर से। अच्छा, इसका मैंने फार्मूला लिखा था, तो स्पीड, स्पीड को हम किससे डिनोट करेंगे, वी से, तो v इज इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस क्या होगा, DYT, ये इसका फार्मूला होगा। आ गया बात समझ में, वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं v वेक्टर से, तो इसका वेलोसिटी ऐसे होगा, v वेक्टर इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट को मैंने बताया था किससे डिनोट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को s वेक्टर बाई t। ठीक है, ये हो गया इसका फार्मूला वेलोसिटी का। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे आप देख रहे हो कुछ डिफरेंस आपको नजर आ रहा है, इस पे एरो का यानी कुछ भी सिंबल नहीं लगा है, इस पे लगा है। तो मैंने बताया था जिस पे अगर कुछ लगा होता है, मैंने स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी में बताया था,
वेक्टर क्वांटिटी में अगर कुछ भी उस पर डायरेक्शन लगा होता है तो उसमें क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं, और जिस पे नहीं लगा होता है उस पे केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। तो इसको चौथे पॉइंट में मैं क्या लिख सकता हूँ, इट इज अ स्पीड को स्केलर क्वांटिटी। ये कैसा क्वांटिटी है, स्केलर स्केलर क्वांटिटी। और इसमें चौथे पॉइंट में क्या लिख सकता हूँ, बी पे वेक्टर लगा है ठीक है, तो हम वेक्टर में वेलोसिटी में क्या लिख सकते हैं, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या होता है, ये वेक्टर क्वांटिटी होता है ठीक है। अच्छा स्केलर क्वांटिटी कहने का मतलब, स्केलर क्वांटिटी अगर है तो इसमें प्रेजेंट क्या है, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड एलोन ओके। अच्छा अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो इसमें क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन, इसमें डायरेक्शन भी है प्लस मैग्नीट्यूड है, इसमें डायरेक्शन है प्लस मैग्नीट्यूड, बोथ इसमें क्या है, प्रेजेंट है ठीक है। तो आई होप स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस पता हुआ होगा। ये टोटल डिस्टेंस क्या करती है, कवर करती है, इसको हम स्पीड बोलते हैं। स्पीड का फार्मूला हम जान चुके हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड का रिप्रेजेंटेशन हम बी से करते हैं, डी बाई टी हो जाएगा, वी इज इक्वल टू डी बाई टी, इसका फार्मूला हो गया। वेलोसिटी को किससे करते हैं, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम ठीक है। वी वेक्टर इज इक्वल टू एस बाई टी, एस को हम किससे करते हैं, डिस्प्लेसमेंट से करते हैं। फिर देखेंगे इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। स्पीड क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी कहने का मतलब कि मैग्नीट्यूड जो होता है इसमें अलोन, केवल अकेला ही प्रेजेंट होता है, उसमें डायरेक्शन नहीं होता है ठीक, स्केलर में। और इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इसमें क्या होता है, डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड दोनों होता है। आई होप इतना पॉइंट क्लियर हुआ होगा आप सबका ओके। सो इसको मैं थोड़ा हट जा रहा हूँ, आप इरेज कर, आप नोट कर लीजिए। सो आई होप इतना जरूर हो गया होगा ठीक है। स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस आप देख चुके होंगे। अब हम बात करेंगे एवरेज स्पीड क्या होता है और एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ठीक है। एवरेज एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। तो पहले की अगर हम बात करेंगे एवरेज स्पीड की, एवरेज स्पीड देखो क्या होता है, सपोज करो कि एक पॉइंट ये था, एक पॉइंट है बी, एक पॉइंट है सी, एक पॉइंट है डी। इसका नाम है ये, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी, इसका नाम है डी ठीक है। अच्छा ये से बी तक, ये से जो बी तक डिस्टेंस चला ठीक है, ये से बी तक जो डिस्टेंस इसमें चला, सपोज ऐसे मत करो ठीक है, इसमें कोई तीन पॉइंट है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये ठीक है। अच्छा हमको जानना है एवरेज स्पीड क्या होता है, क्या होता है एवरेज स्पीड क्या होता है। तो इसका मान लो डिस्टेंस है d1, इसका मान लो d2 है और इसका मान लो d3 है। अच्छा ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस इस पॉइंट से इस तक चला तो इसमें टाइम लगा t1। अच्छा यहाँ से यहाँ तक ठीक है, यहाँ से वहाँ तक जो टाइम चला, यहाँ है T1 और यहाँ तक आया, यहाँ से यहाँ तक है, इसका है टाइम T2 और इधर से चला इसका टाइम है T3 ठीक है। अच्छा अब हम एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे। अगर हम एवरेज वेलोसिटी का अगर फार्मूला निकालें, एवरेज वेलोसिटी का, तो एवरेज वेलोसिटी होगा टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई टोटल टाइम टेकन ठीक है। टोटल इसका फार्मूला होता है टोटल डिस्टेंस कवर, डिस्टेंस कवर्ड वाई क्या होता है, टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। अच्छा इसका देखो
तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर है? डी वन प्लस डी टू प्लस डी थ्री। टोटल टाइम टेकन कितना है? टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री। तो ये आया क्या? ये हम सबका एवरेज, ये क्या है? एवरेज हम सबका वेलोसिटी है। एवरेज वेलोसिटी, ये एवरेज वेलोसिटी का, सॉरी ये हम सबका एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, सॉरी एवरेज स्पीड का ये फार्मूला है। मेरे सॉरी, मुझसे बार बार वेलोसिटी निकल रही है, ठीक है? तो ये एवरेज स्पीड का फार्मूला है। एवरेज स्पीड कहने का मतलब क्या? टोट सॉरी 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 आई एम सॉरी आई एम सॉरी, यहाँ पे मैंने वेलोसिटी लिखा इसलिए बार बार मेरे मुंह से यही निकल रहा है। आई एम सॉरी आई एम सॉरी। एवरेज स्पीड क्या है यहाँ पे? एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई टोटल टाइम टेकन, ठीक है? टोटल डिस्टेंस कितना चला? डी वन डी टू डी थ्री, और टाइम कितना लगा? टी वन टी टू टी थ्री। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड डी वन प्लस डी टू प्लस डी थ्री, टोटल टाइम कितना टेकन है? टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री। तो ये इसका हो गया। तो ये तो हो गई एवरेज स्पीड की बात। अब हम करेंगे एवरेज वेलोसिटी की बात, ठीक है? अब दूसरा पॉइंट आएगा एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एवरेज वेलोसिटी। अच्छा, हम एवरेज, ये तो पहली बात हो गई थी एवरेज स्पीड, और हम बात करेंगे एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, ठीक है? तो सपोज करो एक कोई ऑब्जेक्ट यहाँ था, यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ तक आया, तो इसका वेलोसिटी था वी वन, यहाँ पे आया तो वी टू हुआ, और यहाँ पे हुआ वी थ्री। अच्छा, एवरेज एवरेज वेलोसिटी का हम फार्मूला जानते हैं। एवरेज एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला होता है, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू, इसका होता है एवरेज वेलोसिटी का होगा सम ऑफ वेलोसिटी, इसका होगा सम ऑफ वेलोसिटी बाई क्या होगा? नंबर ऑफ वेलोसिटी, नंबर ऑफ वेलोसिटी। अच्छा, सम ऑफ वेलोसिटी कहने का मतलब क्या? एवरेज एवरेज हम क्या देख रहे हैं? एवरेज वेलोसिटी देख रहे हैं। तो एवरेज वेलोसिटी में सम ऑफ वेलोसिटी बाई नंबर ऑफ वेलोसिटी, तो सम ऑफ वेलोसिटी करेंगे तो सम मतलब होता है प्लस करना, एडिशन होता है। प्रोडक्ट बोलेगा तो प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लाई, इतना जरूर ध्यान देंगे। तो सम ऑफ वेलोसिटी, सम मतलब क्या करना है? इसको सम करना है, ठीक है? तो यहाँ पे देखेंगे एक पॉइंट था वी वन वी टू और वी थ्री, तो सम ऑफ वेलोसिटी मतलब वी वन प्लस क्या हो जाएगा? वी टू प्लस वी थ्री हो जाएगा। और नंबर ऑफ वेलोसिटी मतलब कितने नंबर में है? एक दो तीन, तो पाई क्या हो जाएगा? थ्री। ये हम सब का निकल के आया, ये हम सबका क्या हो गया? ये एवरेज वेलोसिटी है हम सबका। ये कौन सा वेलोसिटी है? ये हम सबका है एवरेज वेलोसिटी, ठीक है? वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री, और नंबर ऑफ वेलोसिटी तीन नंबर में है, एक दो तीन, ठीक है? तो आई होप इतना पॉइंट जरूर क्लियर होगा कि एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस कवर बाई टोटल टाइम टेकन, ठीक है? और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, देखो ये तो वी प्लस हुआ है, लेकिन इसमें क्या, टोटल टाइम टेकन लिया गया है, इसमें नंबर ऑफ वेलोसिटी बोल दिया गया। तो ये पॉइंट जरूर आप क्या करेंगे? ध्यान रखेंगे, ठीक है? तो इतना मैं हट जा रहा हूँ, तब तक स्क्रीनशॉट लीजिए या लिख लीजिए तब, ठीक है? उसके बाद करते हैं। सो आई होप इतना जरूर हुआ होगा, तो इसको हम इरेज कर दे रहे हैं और अब हम आगे जानेंगे। सो आई होप एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी जरूर क्लियर हुआ होगा आपका। घबराना नहीं है, बहुत इजी इजी है सब कुछ, ठीक है? अभी आप पहली पहली बार अगर 9th में गए होंगे तो ये सब टर्म देखने में थोड़ा सा डर लग रहा होगा, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको जरूर आ जाएगा। आप सुने हैं ना, प्रैक्टिस मैन मैक्स परफेक्ट, ठीक है? जितनी बार आप प्रैक्टिस करते जा रहे हैं उतनी अच्छे होते जा रहे हैं आप, ठीक? अब हम बात करेंगे एसिलरेशन की। किसकी बात करेंगे? एसिलरेशन। एसिलरेशन क्या होता है, ठीक है? एसिलरेशन देखो क्या होता है, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी,
नहीं समझे होंगे। चलो इस लैंग्वेज को पहले ब्रेक करिए, बोल क्या रहा है। इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। सबसे पहले हम इसको ब्रेक करेंगे, चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है। ठीक है, चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है। सपोज करो कि ये कोई कार है या ये कोई ट्रेन है। ठीक है, एक कोई मान लो ट्रेन है, ओके, और इसका इनिशियल वेलोसिटी, इसका इनिशियल वेलोसिटी है यू। इनिशियल वेलोसिटी को हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और इसका इनिशियल वेलोसिटी है यू, और ये ट्रेन कहाँ पहुंच गई, अब यहाँ पे पहुंच गई है, और इसका फाइनल वेलोसिटी है, इसका फाइनल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी को वी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसका इनिशियल वेलोसिटी है यू, इसका फाइनल वेलोसिटी है वी। अच्छा, यहाँ से यू से इनिशियल वेलोसिटी इसका कुछ रहा होगा, फाइनल वेलोसिटी, तो इनिशियल से फाइनल में जाने के लिए कुछ ना कुछ इसमें क्या लगा है, टाइम भी लगा है इसमें। ठीक है, अच्छा आप देखो, तो ये क्या बोला था, ऐसे लेसन क्या होता है, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो सबसे पहले हम नहीं समझ पा रहे हैं, तो इसको ब्रेक करिए, चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है। सबसे पहले हम सबका होगा चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होगा, तो चेंज ऑफ वेलोसिटी होगा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी क्या था, वी, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, यू। ठीक, चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब वो लिख दूंगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ओके, तो फाइनल वेलोसिटी हो गया वी माइनस इनिशियल वेलोसिटी हो गया यू। अच्छा, द रेट ऑफ यहाँ पे रेट लिखा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अच्छा, रेट जैसे ही बोला जाएगा, रेट ऑफ क्या लिखा है, रेट ऑफ चेंज चेंज ऑफ वेलोसिटी। अच्छा, रेट जैसे बोला जाएगा, जैसे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मींस यहाँ से हम रेट कहने का मतलब टाइम से तुरंत क्या कर लेंगे, इसको रिलेट कर लेंगे, टाइम से डिवाइड होगा, तो चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। और इसी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एसेलरेशन। एसेलरेशन को हम ये से रिप्रेजेंट करते हैं, तो एसेलरेशन हो गया रेट, इट इज द रेट, रेट मतलब टाइम से डिवाइड या रिलेट करेंगे, और चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो ये हो गया हम सबका एसेलरेशन, ये हम सबका क्या है, एसेलरेशन है। नहीं समझ में आया, एक बार फिर से देखो, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट कहने का मतलब टाइम से तुरंत रिलेट करेंगे या डिवाइड करेंगे, चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। देखो एसेलरेशन को हम ये से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज द, एसेलरेशन क्या होता है, इट इज द रेट ऑफ, तो रेट ऑफ जैसे बोलेंगे तुरंत टाइम से डिवाइड, चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ये हो गया हम सबका, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। नहीं समझ में आया, एक बार फिर से देखो, एसेलरेशन इज इक्वल टू रेट, इट इज द रेट, जैसे रेट करेंगे टाइम से डिवाइड या रिलेट करेंगे, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। वो फाइनल वेलोसिटी को आप जानते हो वी से लिखा जाता है, इनिशियल वेलोसिटी आपका यू से लिखा जाता है, तो इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इट इज द रेट, रेट मतलब टाइम से डिवाइड, ठीक, चेंज ऑफ वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, इसी को हम क्या बोलेंगे, इसी को बोलते हैं हम एसेलरेशन। तो आई होप इतना जरूर क्लियर हुआ होगा। ठीक है, इसको नोट करिए तब तक के लिए। सो आई होप इतना हुआ होगा, और इसमें भर गया पूरा, तो इसलिए इतना मिटा रहा हूँ मैं, और अब बताते हैं ये क्या होता है, इसका एसआई यूनिट क्या होता है। ठीक है, देखो इसका एसआई यूनिट होगा, एसआई मतलब इंटरनेशनल यूनिट क्या होगा, इसका एसआई यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर सर ये कहाँ से आप ला दिए, देखो मैंने क्या बताया था, इट इज द रेट ऑफ, रेट मतलब टाइम से डिवाइड या रिलेट करेंगे, चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज ऑफ वेलोसिटी। अच्छा, अब इसमें वैसे देखो कि यूनिट कैसे बनाते हैं, इधर ये क्या है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी,
और वेलोसिटी का मैंने एसआई यूनिट बताया है आपको, अगर पता होगा मीटर पर सेकेंड। बाई फिर क्या लिखा है, ये चेंज इन वेलोसिटी ही तो है, ये फाइनल वेलोसिटी है माइनस इनिशियल वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी का एसआई यूनिट क्या होगा, स्टैंडर्ड यानी इंटरनेशनल सिस्टम क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। अच्छा टाइम का क्या होगा, इसका भी होगा सेकेंड। अच्छा ये जब ऊपर जाएगा तो ये बन क्या जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यही तो मैंने लिखा है यहाँ पे, एसआई यूनिट इसका एसिलेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही तो लिखा, तो यहीं से आया है ये बन के। ठीक है, वेलोसिटी वेलोसिटी का एसआई यूनिट मैंने लिखवाया था मीटर पर सेकेंड, और बाई बाई मतलब बटा टी टाइम का एसआई यूनिट सेकेंड। ठीक है, टाइम का क्या होता है, सेकेंड होता, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये ऊपर जब जाएगा यस यस है तो 2s हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो यस स्क्वायर, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये बात हो गई। अब इसमें आगे जो है, इसमें एक पॉइंट और है, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर वेक्टर क्वांटिटी, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये कैसा क्वांटिटी होता है, ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक, तो इतना आई होप इतना पॉइंट समझ में आपको आया होगा। और इसमें हम बात करेंगे रिटार्डेशन, रिटार्डेशन इज ए निगेटिव एसेलरेशन। ये क्या होता है, रिटार्डेशन जो होता है वो निगेटिव एसेलरेशन होता है। अच्छा आप देखोगे, देखेंगे हम सब रिटार्डेशन, तो पहले इसको नोट कर लो। सो भाई आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अच्छा हम देखेंगे, सबसे पहले हम एक स्टेटमेंट है इसको देखो, रिटार्डेशन एक है यहाँ पे, रिटार्डेशन इज निगेटिव एसिलेशन, रिटार्डेशन इज निगेटिव एसिलेशन, मतलब रिटार्डेशन रिटार्डेशन क्या होता है, निगेटिव एसिलेशन होता है। कैसे, इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका पॉइंट एसिलेशन का उठाते हैं। तो सपोज करो कि एक कोई गाड़ी है, ठीक है, इसका इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी को जानते हो यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड, और ये फिर इसका फाइनल, ये वही कार कुछ टाइम टेक की होगी, लेट दैट टाइम बी टेक टी, और इसका टाइम है 2 सेकेंड, 2 सेकेंड है। ठीक है, 2 सेकेंड के बाद देखें इसको, तो ये गाड़ी अब यहाँ पर पहुंच चुकी थी। ठीक है, और इसका फाइनल वेलोसिटी हो गया 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये इनिशियल वेलोसिटी हो गया फाइनल, तो हम एसेलरेशन निकालने जा रहे हैं, तो एसेलरेशन कभी निगेटिव में नहीं होता है। ठीक है, और लेकिन रिटार्डेशन इज ये निगेटिव एसेलरेशन, रिटार्डेशन को भी बताया जाएगा, लेकिन इससे पहले एसेलरेशन समझ लो। तो एसेलरेशन आप जानते हो, एसेलरेशन क्या होता है, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट का मतलब टाइम से रिलेट कर देंगे वो, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, तो एसेलरेशन इसका निकल के क्या आएगा, फाइनल वेलोसिटी कितना दिया है 5 मीटर मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी कितना है 2, और टाइम कितना दिया है, टाइम 2 सेकेंड है। ठीक है, अब इसको निकालो, 5 में से 2 निकाल दो, कितना बचेगा 3/2, इससे डिवाइड कर दो, डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कितना निकल के कितना आया है, एसेलरेशन इज इक्वल टू 1.5, ये से कट गया है जी। ठीक है, 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ठीक है, तो ये कैसा है, ये पॉजिटिव एसेलरेशन अभी आया है, ये आप सबका पॉजिटिव एसेलरेशन आया है। ठीक है, अच्छा ये पॉजिटिव आ गया, अब सपोज करो कि अब हम इस, ये तो एसेलरेशन निकल के आया है, लेकिन अब रिटार्डेशन ये निगेटिव एसेलरेशन, क्या ये सही बोल रहा है, चलो इसको चेक करते हैं। तो सपोज करो कि एक कोई ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट 5 मीटर पर सेकेंड से, उसका इनिशियल वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और उसका फाइनल वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड। अब बोलोगे ये सर ये क्या हो गया, तो ये गाड़ी पहले स्पीड चल रही थी 5 मीटर पर सेकेंड से, और ये जब सामने कुछ आ गया, कोई लड़का आ गया, छोटा सा बच्चा आया, कि कुछ भी आ गया, विफेलो आ गई या डॉग्स आ गए, तो वो ब्रेक अप्लाई किया, तो वो थोड़ा सा उसका 5 मीटर पर सेकेंड था, तो कुछ टाइम के बाद वो उसका स्पीड डिक्रीज हुआ होगा, तो डिक्रीज हुआ तो 2 मीटर पर सेकेंड हो गया उसका। ओके,
तो इसमें देखेंगे अब एसेलेरेशन इज इक्वल टू, आप जानते हो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अच्छा एसेलेरेशन अब फाइनल वेलोसिटी में कितना दिया है, 2 मीटर, माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितना है 5 मीटर, ठीक। टाइम कितना दिया है, 2 ही मीटर दिया है, ठीक है। अच्छा अब इधर देखो, तो 2 में से 5 निकाल दो तो बचेगा इतना, -3y कितना बच जाएगा, 2। अच्छा इससे हम जब निकालेंगे माइनस करेंगे तो कितना कट करेंगे तो कितना आएगा, -2 1 जा 2, 2 5 जा 10, ठीक है, तो 1.5। लेकिन ये आया किस में, ये आया बच्चों माइनस में, तो माइनस यहाँ पे आया तो वही लिखा है रिटार्डेशन इज निगेटिव एसेलेरेशन। ये भी एसेलेरेशन ही है, रिटार्डेशन भी एसेलेरेशन ही है, तभी तो ये फार्मूला मैंने अप्लाई किया, ये मैंने फार्मूला तभी तो अप्लाई किया। लेकिन ये क्या है, निगेटिव में आ रहा है, और मैंने एसेलेरेशन को निकाला था वो पॉजिटिव में आ रहा था। सो आई होप इतना पॉइंट क्लियर हुआ होगा आपका, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे काइनामेटिकल इक्वेशन की, काइनामेटिकल इक्वेशन क्या होता है, ठीक है। तो काइनामेटिकल इक्वेशन में थोड़ा सा मैं हिंट दे दे रहा हूँ, इसको बनाऊंगा मैं अगले लेक्चर में, लेक्चर 3rd होगा वो, इतना 2nd लेक्चर में रहेगा और वो रहेगा 3rd लेक्चर में, काइनामेटिकल इक्वेशन है, ठीक है, काइनामेटिकल। काइनामेटिकल इक्वेशन, ठीक है, काइनामेटिकल इक्वेशन क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होगा इसमें वी इज इक्वल टू यू प्लस ये टी हो गया, ये हम सबका होगा फर्स्ट इक्वेशन होगा, ठीक है। और दूसरा इक्वेशन है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2VAS है, ये हम सबका है 2nd इक्वेशन है, ये है बच्चों 2nd इक्वेशन। और 3rd होगा एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ये टी स्क्वायर, ये हम सबका बच्चों 3rd इक्वेशन, ठीक है। तो ये ऐसे कहने से काम नहीं चल जाएगा, इसको हमको डेरीवेट करना पड़ेगा, ओके। तो डेरीवेट करके ये 3रे लेक्चर में बताऊंगा, ठीक है। वैसे भी रात के 2 ही बज रहे हैं, लेकिन इसके बाद में मैं जस्ट अभी अपलोड कर रहा हूँ इसको, ठीक है। तो आई होप इतना जितना सब कुछ पॉइंट बताया होगा, बताया हूँ, इतना सब कुछ क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, और कमेंट करना मत भूलेगा, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा बना है, ओके। पसंद आ जाए तो आपको पता ही क्या करेंगे, ओके।